हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबके चहेते करण कुंद्रा। करण, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मतलब कितने एक्साइटेड है आप? मतलब फाइनली फैंस की जो दुआएं थी, वेट कर रहे थे, वो सब पूरी हो रही है। थैंक यू सो मच। हाँ, काफी एक्साइटेड है फैंस। दे हैव क्लियरली शोन देयर एक्साइटमेंट सोशल मीडिया पे, सब जगह आसपास के लोग भी बहुत एक्साइटेड है। इट्स अ न्यू इन्फ्लक्स ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज कमिंग इन, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट कमिंग इन। मैं भी एक्साइटेड ही हूँ। नर्वस एनर्जी है थोड़ी सी एंगजाइटी है, बट आई गेस वो जैसे ही मैं कदम रखूंगा अंदर घर के तो सब चला जाएगा। एंड आई विल बी फोकस्ड ऑन द शो। तो इस बार करण काफी टफ होने वाला है। पहले जंगल को पार करना है, देन अगर घर होगा तो होगा कि नहीं पता नहीं, हो दैट्स ऑल सेकेंडरी, बट कितने प्रिपेयर्ड है आप मेंटली एंड फिजिकली? आप मेंटली फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो सकते क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं है कि आप क्या फेस करने वाले हैं। आप जिस चीज को आप जानते हैं, आपने पहले किया हुआ, आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आई थिंक यू हैव टू गो विद एन ओपन स्लेट एंड यू हैव टू यू नो पुट योर सेल्फ इन द चैलेंज एंड चैलेंज योर सेल्फ बेसिकली। तो यू नो जानता हूँ कि क्या होने वाला है। 3 महीने कुछ के लिए आपकी फोन्स नहीं होंगे, मत बोलो यार, ऐसे मत बोलो यार। तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ये होगा वो पता है, बट अनटिल अनलेस आई पुट माय सेल्फ इन दैट सिचुएशन आई विल नॉट नो। मुझे बहुत सारे लोग गाइड कर सकते हैं बट वो सिर्फ बता सकते हैं, बट जब तक कि आप नहीं एक्सपीरियंस करते तब तक कुछ नहीं पता। तो फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि इतना आपने, यू हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी रियलिटी शोज आल्सो, आपने पिक्चरों में तो मतलब पिक्चरों में काम किया है, टीवी पे तो आप सुपरस्टार हो, तो ये जो डिले क्यों हुआ इतना? देखिए, आई बिलीव कि व्हाटएवर हैज टू हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। तो पहले भी हो सकता था ये, लेकिन कुछ मैच नहीं हो पाता था, कुछ डेट्स का इश्यू हो जाता था, ये तब मैं शायद रेडी नहीं था। मैं तो इस बार भी रेडी नहीं था, बट क्योंकि आप अपने बारे में एक ओपिनियन रखते हैं कि यार मैं ऐसे कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। फिर आप शो के बारे में एक ओपिनियन रखते हैं कि बड़ा टफ है यार समथिंग। फिर आप मिलते हैं मेकर से, फिर आपकी डिस्कशंस होती हैं, फिर एक एक सिचुएशन क्रिएट होती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, आप उनका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप खुद के बारे में कुछ नए ओपिनियंस लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो गया। सो आई थिंक इट वाज द राइट टाइम मे बी, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। अदरवाइज ये तो 5-6-7 साल 8 साल से चल रहा है ये। जी तो करण, जब भी घर की बात आती है तो ऑफकोर्स उसके साथ साथ बातें जो याद आती है वो है साजिश, बैकबाइटिंग, धोखा, ये सब कुछ होता है वहां पे। तो क्या कोई स्ट्रैटेजीज है इनसे टैकल करने के लिए, इन सिचुएशंस के लिए? देखिए, लाइफ में भी यही सब होता है। लाइफ में भी आपका दिल टूटता है, लाइफ में भी आपका ट्रस्ट टूटता है, लाइफ में भी आपको गुस्सा आता है, बट यही है कि ये यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होता है क्योंकि एक सिचुएशन ही ऐसी है, फॉर्मेट ही ऐसा है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इन चीजों के लिए, बट आप कैसे रिएक्ट करेंगे प्रेशर सिचुएशन में, एक बंद घर के अंदर जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट ही सिर्फ ये लोग हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, आपका पेशेंस की एक इंसान को लेके कैसा है, दूसरे के लिए कैसा है, आप कितना सह सकते हैं, ये सब आपको वहां पर पता चलेगा। तो यूजली आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यूजली मैं चीज रास्ता निकाल लेता हूँ हर चीज का, बट अगर वो तब होता है जब जो दो लोग जो है वो रास्ता निकालना चाहते हैं। सो यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन इनसाइड। सो जैसी जैसी जो जो सिचुएशन आएगी, मैं उस हिसाब से जो मुझे लगेगा कि ये बेस्ट तरीका है उससे डील करने के लिए, तो वो मैं उसको अपनाऊंगा। आई होप। तो करण, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट जा सकती है, मतलब कोई वीकनेस है आपकी या कोई एक क्वालिटी है जिसका लोग फायदा उठा के आपके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आई एम आल्सो अ ह्यूमन बीइंग, यू नो आई एम द सेम पर्सन दैट यू आर, यू नो आई हैव द सेम इमोशंस दैट यू हैव, आई हैव द सेम फियर्स दैट यू हैव। मेरी अपनी वीकनेसेस हैं, मेरी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, और ऐसा नहीं है कि लोगों ने फायदा नहीं उठाया मेरा लाइफ में भी हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, सबके साथ होता है, तो ये रियलाइजेशन तो सबके साथ होती है। सो मेरी कुछ चीजें हैं जो मुझे बचपन से सिखाई जा रही हैं, जो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ। मैंने कई सालों तक उससे फाइट करने की कोशिश की, बट अब मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी डेस्टिनी यही है कि मैं लोगों पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो शायद मैं ऐसा ही हूँ और उससे लड़ने की जरूरत नहीं। तो अगर मेरा कोई ट्रस्ट ब्रेक करता है तो मुझे बुरा ऑब्वियसली लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये उसका नुकसान है,
क्योंकि मैंने अपना सब दिया था, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ. सो एज 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 अ ह्यूमन बीइंग देयर आर लॉट्स ऑफ वीकनेसेस एंड लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ्स एज यूजुअल एंड सेम द हर्ट इज द सेम. तो स्ट्रेंथ में क्या यूज करने, कोई सोच के रखा है कि मैं इस बार जा रहा हूं तो ये मेरी एक स्ट्रेंथ है, मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, मैं इसी पे खेलूंगा, मैं ये रखूंगा? आई डोंट थिंक सो. प्लान करने का कोई मतलब है नहीं, नहीं. कि आपको नहीं पता. आप देखिए, प्रिंस मेरा दोस्त है, मैंने सिद्धार्थ की जर्नी देखी थी, विकास मेरा दोस्त है, युविका मेरी भाभी है, कितने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मतलब कर चुके हैं, बट वो उनकी जर्नी रही है, वो उनका एक्सपीरियंस रहा है. नो मैटर हाउ मच यू सिट एंड वॉच फ्रॉम आउटसाइड, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन विद यू, हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट. सो देयर इज नो पॉइंट इन प्लानिंग एनीथिंग. मेरी जो भी स्ट्रेंथ है शायद अंदर जाके वीकनेसेस बन जाए, या जो मेरी वीकनेस है वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए, या शायद मैं अंदर जाके अपने आपको कंट्रोल कर पाऊँ, शायद मैं अपने आपको ना कंट्रोल कर पाऊँ. बट मुझे इतना पता है कि मैंने हर दिन जो है उसको एज पर दैट सिचुएशन टैकल करना. तो जो लोग इंस्टाग्राम पे है, जो आपको फॉलो करते हो, जानते हैं कि यू आर अ बिग टाइम फूडी, सो उसको कितना मिस करने वाले हैं आप घर में? मेरी बैड बजने वाली है. मेरी बैड बजने वाली है. अरे खाना मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब चाय नहीं मिलेगी, यू नो छोटी छोटी जो चीजें हैं वो, ऑन कॉल भूख लगी है वो नहीं होगा, कितने सारे छोटे छोटे कंफर्ट्स हैं, अरे मतलब फोन उठाया जोमेटो ऑर्डर कर दिया, वो सब नहीं होगा. साफ सफाई खुद करनी पड़ेगी, खाना खुद बनाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं. तो बैंड तो बहुत सॉलिड बजने वाली, ऊपर से जंगल में है इस बार, तो पता नहीं क्या होने वाला है. मैंने मुझे तो यही है कि यार मेरे सीजन में ही जंगल में जाना था इन लोगों को. बट कोई दो तीन चीजें ऐसी जो यू कैनॉट स्टे विदाउट, लाइक मेरे लिए कॉफी, आई नीड मॉर्निंग कॉफी, तो कुछ भी हो जाए. हाँ, वो सारी चीजें जो यू नो डे टू डे लाइफ में लोगों को चाहिए होती है. खाना, मैं बहुत क्रैंकी हो जाता हूँ. कॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैफीन से आप जागते हो, बट ऑल्सो सिचुएशन अलग हो रही है, इतना काम नहीं होने वाला अंदर जितना मेंटल स्ट्रेस हमारा काम का होता है. फोन्स नहीं होंगे, मैं यूट्यूब पे सारा टाइम पॉलिटिक्स देख रहा होता हूँ, वो सब कट जाएगा. मैं यू नो डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा होता हूँ, स्पिरिचुअल चीजें देख रहा होता हूँ, वो सब कट जाएगा. बट एट द सेम टाइम मेरे को अब मैं अंदर जाके मैं अपने काम की स्ट्रेस नहीं ले सकता, क्योंकि मैं ले ही नहीं सकता, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है. यू नो ये सारी चीजें बाहर मेरे दोस्तों को करनी पड़ेंगी, तो अंदर मेरे पास टाइम भी होगा. तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि बाहर की दुनिया बहुत घूम ली, अब जरा अंदर की तरफ झांकने का टाइम है. और सलमान के साथ वीकेंड के वार के लिए कितना एक्साइटेड है आप? मतलब गेन कि आपके फैंस ने तो बहुत सारे, आई हैव रेड समवेयर, काफी ये लोग लिख रहे, फोटोज भी बना के दे आर पोस्टिंग के सलमान भी आए, करण भी रहेगा, ये वो, काफी दे आर वेरी एक्साइटेड. आप कितना एक्साइटेड? मैं उनकी एक्साइटमेंट देख के बहुत एक्साइटेड हूँ. अंदर से डर भी लग रहा है, नर्वसनेस भी है, एंग्जाइटी भी है, बट आई थिंक वो बहुत ही रियल सिचुएशन है जो सबको फील होती है, और वो एक अच्छी सिचुएशन है. मैंने रियलिटी शोज किए हैं पहले, होस्ट भी किए हैं, पार्टिसिपेंट भी रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि जो नर्वस एनर्जी के साथ अंदर जाते हैं वो एटलीस्ट वो रियल रखते हैं, जो बाकी कुछ प्लानिंग करके जाते हैं वो थोड़ा ऑफ चले जाते हैं कभी कभी. तो सलमान जो है वो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, यू नो मैं अगर आपको पसंद करता हूँ तो पसंद करता हूँ, अगर मैं नहीं करता हूँ आपके वो बोल देंगे, जो चीज उनकी बहुत एडमिरेबल है. और आई थिंक यही रीजन है कि दुनिया इंक्लूडिंग मी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनको हम देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ इस बंदे में भी बात है. वो चीज लाना, एस्पिरेशन लाना किसी और आदमी के अंदर बहुत मुश्किल होता है, जो कि उनके उनके अंदर नेचुरली है. सो आई होप कि वो भी हमारे को इस तरह से ही देखें और पसंद करें, ताकि जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाए. ऑफ कोर्स होगी. बिग बॉस का जो ओटीटी हुआ था, उसके भी काफी जो यू नो तीन चार लोग हैं वहां से यहाँ आने वाले जिनके पास गेम का एक्सपीरियंस है, तो आपको लग रहा है दे माइट हैव थोड़ा सा अपर एज? देखिए, एज आई सेड कि जब तक कि आप घर में नहीं घुसते, आपने टीवी पे देखा है शो, आपने अपने दोस्तों से सुना है जो कि जीत के आए हैं, आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप अंदर नहीं जाते. तो एक एडवांटेज जो कि शमिता, निशांत और प्रतीक के पास है वो ये है कि वो अंदर ऑलरेडी रह चुके हैं, वो एक सीजन कर चुके हैं, तो वो जो हमें पहले एक दो हफ्ते जो समझ में नहीं आने वाला ना कि कैसे जीना है भाई बिना फोन के, वो चीज वो कर चुके हैं, तो उनका फोकस हमसे थोड़ा सा स्ट्रांग होगा. That I understand and I totally agree with that. There is a slight advantage, which is fine.
और एक और जो चीज लोग कहते हैं कि जब भी बिग बॉस में जाते हैं तो जो वॉइस डेसिमल्स होते हैं वो जिसका सबसे हाईएस्ट लेवल पे जाता है वो वहां पे काफी स्ट्रांग होता है, बिकॉज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। तो आर यू रेडी टू गेट योर वॉइस रेज टू द टॉप मोस्ट लेवल? देखिए, आई हैव नेवर हिंडर्ड फ्रॉम रेजिंग माय वॉइस, बट फॉर द राइट रीजंस। आई एम एन एक्सट्रीमली रैशनल पर्सन, एटलीस्ट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, अंदर पता नहीं, बट रेजिंग अ वॉइस फॉर समथिंग दैट यू एक्सट्रीमली बिलीव इन, बी इट फॉर योरसेल्फ और फॉर समबडी एल्स, इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन। अगर आपने मेरे पुराने शोज देखे हैं तो उसमें भी मैंने सही के लिए, मेरी लाइफ में भी जब भी जितनी भी चीजें हुई हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं, वो इसी के लिए हुई हैं क्योंकि मैं खड़ा हुआ, अपने लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं जब भी मेरी कोई पंगे हुए हैं, कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, मैं दूसरों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, तो वहां पर मैं मेरी वो होती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू नो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मेरा रैशनल है और मैं, मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं बोल सकता हूँ कि यार ये मुझे लगता है गलत है, अगर आपका ओपिनियन मेरे से बेटर है तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, प्रूव मी रॉन्ग एंड आई विल एक्सेप्ट व्हाट यू से। और काफी फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को कितना मिस करेंगे आप, क्योंकि अगर वो होते आज तो यू नो बिग बॉस 15 में आते, मोटिवेट भी करते, हो सकता था आप लोगों के साथ लड़ते, कॉन्टेस्टेंट बनते, खेलते। एक चीज तो है कि मैं रोज उसके बारे में सोचूंगा तो जरूर, यू नो, क्योंकि वो अपनी जर्नी जितनी अच्छी तरह से और फियरलेसली, विदाउट एनी इनहिबिशन, विदाउट थिंकिंग कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो शेर की तरह जिसको बोलते हैं ना, वो जो वो एक इम्पैक्ट बना के गए हैं, उसकी याद तो आएगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट एट द सेम टाइम यू नो, मैं कैसे अपनी जर्नी करूंगा, मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, वो तो मुझे अंदर जाके ही पता चलेगा, बट सोचूंगा मैं जरूर। हर एक्चुअली मैं ही नहीं, सभी सोचेंगे, मुझे जितना लगता है कि यू नो, याद तो आएगी उस बंदे की। ऑफकोर्स, और बहुत सारे सवाल है, लेकिन लास्टली फैंस के लिए जो इतना प्यार करते हैं आपको, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि यू नो, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग जर्नी दैट यू गाइस हैव गिवन मी, फॉर द अमेजिंग अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट, और दिस वन इज डेफिनेटली फॉर यू, एंड आपको पता चल जाएगा। और मेरी जब भी मैं अंदर वीक होऊंगा तो यू नो, कभी मेरा एक इमोशनल पार्ट आएगा तो मुझे इतना जरूर रहेगा कि मैंने आपको लेट डाउन नहीं करना है, और दैट इज गोइंग टू बी माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सो थैंक यू फॉर बीइंग माई स्ट्रेंथ। विश यू करण कि आप टॉप पे जाइए, वहां पे अच्छा खेलिए, और खाने का भी जो शॉर्टेज है वो वहां पे पूरी हो जाए आपके लिए, क्योंकि वहां से भी आपके फैंस इंस्टाग्राम के लिए कुछ पोस्ट डालते रहे, एंड जो से भी आप हो वैसे ही रहे और एंजॉय कीजिए, एंड वी विश यू अगेन ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टेक केयर।